नमस्कार, आदाब। सरहद के दो रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। गिलगित बल्तिस्तान में हड़ताल पर सरकारी मुलाजमीन, गिलगित स्कर्दू हुंजा समेत गिलगित बल्तिस्तान के बेशतर अजला पर मंडराया सैलाब का खतरा। और श्रीनगर में गवर्नमेंट सिल्क फैक्ट्री को किया जा रहा है अपग्रेड। गिलगित बल्तिस्तान में आवाम की मुसीबतों का खात्मा नजर नहीं आता। यहाँ कदम कदम पर आवाम जिंदगी की जद्दोजहद में उलझे हुए हैं। जिन्हें तालीम नहीं मिल रही, उन्हें इस बात की फिक्र सता रही है कि अगर पढ़ेंगे नहीं तो भला अच्छी नौकरी कैसे करेंगे। और जिन्हें नौकरी मिल गई है, उन्हें ये नहीं समझ आ रहा कि इसे बरकरार कैसे रखा जाए। दरअसल इस वक्त बेशतर महकमों के हजारों मुलाजमीन पर बर्खास्तगी का खतरा मंडरा रहा है। हुकूमत कोई ना कोई बहाना बनाकर इन्हें निकालने में लगी है, इसलिए ये लोग मुस्तकिल होना चाहते हैं। इस सिमत में एक बड़ी कामयाबी उन्हें तब मिली जब असेंबली में इन्हें मुस्तकिल करने के लिए बिल पास कर दिया गया, लेकिन उसके बाद मकामी पार्टी मुस्लिम लीग की हुकूमत खत्म हो गई। तब से अब तक इनका मामला जस का तस अटका हुआ है। इस बात से नाराज ये मुलाजमीन एहतजाज करने सड़कों पर उतर आए हैं। गिलगित बल्तिस्तान में बेरोजगारी का बुरा हाल है। प्राइवेट नौकरियां हैं नहीं और सरकारी नौकरी पाने के लिए भरपूर जद्दोजहद करनी पड़ती है। रही सही कसर कोरोना वायरस ने पूरी कर दी है, जिसकी वजह से नौकरियों के मौके बिल्कुल सूख गए हैं। वैसे ताज्जुब की बात यह है कि अवाम की जद्दोजहद नौकरी पाने के बाद भी खत्म नहीं हो रही। दरअसल हालिया बरसों में बहुत सी तकरूरी आर्जी तौर पर हुई है। इनमें से बेशतर अफराद को बिना नोटिस दिए मनमाने तरीके से निकाला जा रहा है। ऐसे में डरे हुए बेशतर मुलाजमीन जो अब तक कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे थे, उन सभी ने परमानेंट होने के लिए एहतजाज शुरू कर दिया है। उनकी नाराजगी इस बात को लेकर है कि हालिया दिनों मुकामी असेंबली ने उन्हें मुलाजमत में मुस्तकिल करने के लिए एक बिल पास किया था, लेकिन इस पर भी अमल दरामद नहीं हो सका है। हमारा मुतालबा ये है कि हमने यूनानिमसली इस असम्बली ने इस बिल को पास किया, तकरीबन दो महीने गुजर गए, अभी तक इस बिल पे इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं हुई, आखिर क्या वजह है। कॉन्ट्रैक्ट कंटीजन और प्रोजेक्ट एम्प्लाइज मिला के एटलीस्ट 6000 हमारी तादाद बनती है, तो इसमें 3800 मेरे ख्याल में कंटीजेंट एम्प्लाइज़ हैं, बाकी 2200 जो है वो रेगुलर कंट्रैक्ट मिला हुआ है उन्हें, और तकरीबन प्रोजेक्ट्स में तकरीबन 200-300 बंदे प्रोजेक्ट्स में। जो लोग किसी महकमे में 10 से 15 बरस काम कर चुके हैं, वो भला कहाँ जाएं, क्या करें। उन्हें पता है कि उनकी नौकरी कभी भी जा सकती है। हर पल उनके सर पर तलवार लटकी हुई है, इसलिए ये जल्द से जल्द मुस्तकिल होना चाहते हैं। उन्हें इस बात से भी इतना गुस्सा है कि जब खुद गवर्नर ने इस बिल पर दस्तखत कर दिए हैं और अब ये कानून की शक्ल ले चुका है, तब भी उनके मुस्तकबिल से क्यों खिलवाड़ किया जा रहा है। इस खत्ते में तालीम याफ्ता और हुनरमंदों को रोजगार नहीं मिल रहा, ऐसे में अपनी नौकरी गंवाने का खतरा भला कौन मोल लेगा। आज हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट कंटिजेंट और प्रोजेक्ट एम्प्लॉयज हैं, आज हमें फिर एक बार फिर धरना देने पर मजबूर किया जा रहा है। दो तीन महीने पहले जो एक्ट पास हुआ था, गिलगित बल्तिस्तान लेजिस्लेटिव असेंबली ने पास किया था, जो रेजोल्यूशन पास की थी और गवर्नर साहब साहब के सिग्नेचर से जो एक्ट बन चुका था, तो उसके बाद उस पर कोई इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन नहीं हुई उस एक्ट पे। तो इसलिए एक बार फिर हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो एफेक्टीज़ हैं, तो वो इस एक्ट को इम्प्लीमेंट कराने के लिए इधर एक ग्रुप की फॉर्म में, एक प्रोटेस्टर्स की फॉर्म में मौजूद हैं। मुख्तलिफ महकमों के ऐसे लगभग 6000 मुलाजमीन हैं जिनके ऊपर हर वक्त नौकरी जाने का खतरा मंडला रहा है, जबकि उनमें से कोई 5 साल की नौकरी कर चुका है तो कोई 10 साल तक अपनी खिदमात अंजाम दे चुका है, तो किसी को 15 साल का तवील अरसा गुजर चुका है। यहाँ आर्जी तौर पर एक काम चला हुकूमत तश्कील दे दी गई है, लेकिन सारी ताकत गवर्नर राजा जलाल हुसैन मकफून के पास है।
ताज्जुब की बात यह भी है कि गवर्नर साहब ने बिल पर दस्तखत करके अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया है। अब वो इस मामले में कोई भी मुदाखलत करने से गुरेज कर रहे हैं। हमारा मुतालिबा, सबका मुश्तरिका मुतालिबा है कि एक्ट 2020 को, अर्ज़ी मुलाज़मीन एक्ट को फौरी तौर पर नाफिज़ुल अमल किया जाए, इस पर अमल दरामद किया जाए। इस हवाले से तखीरी हरबे इस्तेमाल हो रहे हैं, जिस पर मुलाज़मीन के अर्ज़ी मुलाज़मीन में सख्त तशवीश और गुस्सा कम गुस्सा पाया जाता है, और इस एक्ट के अमल दरामद कराने में वाज़ेह तौर पर ब्यूरोक्रेसी रिकावट है। हम इनके इन तखरी हरबों और इस तरह के ओशे हथकंडों की भरपूर मजम्मत करते हैं, और अगर फौरी तौर पर इसको नाफिजुल अमल नहीं किया गया तो हम आखिरी हद तक जाएंगे। इन अफराद ने ये सोचा था कि देर सवेर उनका भी बेहतर वक्त आएगा, उनके मुतालबात पूरे होंगे, बढ़िया तनख्वाह होगी और बेहतर जिंदगी, लेकिन इस दौरान ना तो कभी उनकी तनख्वाह में इजाफा हुआ और ना ही कभी प्रमोशन मिला। टीए और डीए जैसे दीगर मराद की तो बात ही करना गुनाह है। इतने साल की नौकरी के बावजूद निकाले जाने का टेंशन जरूर हावी रहा, लेकिन सच पूछो तो जिंदगी को मानो असली इम्तिहान लेना बाकी था। ये लोग आगे के फैसले के बारे में गौर खौस कर ही रहे थे कि हुकूमत ने कोरोना की आड़ लेते हुए एक के बाद एक लोगों को नौकरी से निकालना शुरू कर दिया। दरअसल कोरोना की वबा की वजह से हुकूमत का खजाना खाली हो चुका है और वो खर्चों में कटौती के नाम पर लोगों को हलाल कर रही है। ये जो आप देख रहे हैं इतनी बड़ी तादाद में, ये बेसिकली 6,000 नहीं, ये 36,000 लोग हैं। हर बंदे के पीछे एक फैमिली है, 6-6 बंदे। उस फैमिली को वो एक बंदा जो है उस फैमिली को की देखभाल कर रहा है। तो ये आप इनमें देखें, ज़्यादातर एम्प्लॉज़ की उम्रें भी गुजर चुकी हैं। कोई 50 में चल रहा है, कोई 49 में चल रहा है, कोई 55 में चल रहा है। 15-15 साल से ये अपने गिलगित बल्तिस्तान गवर्नमेंट को सर्व कर रहे हैं, लेकिन इनकी सुनवाई नहीं हो रही है। अब चूँकि एक भी आ गया, लॉ पास हो गया, अब उस लॉ को इम्प्लीमेंट करने में क्या मसला है? हुकूमत और इंतजामिया ने सोचा कि अभी लोगों को निकालने में आसानी होगी, क्योंकि लोग कोरोना की वजह से एक साथ जमा नहीं हो सकते, ऐसे में भला वो एहतजाज करने क्यों आएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब इन लोगों के सड़कों पर उतरने से और लोगों में भी हिम्मत आ रही है। वैसे गिलगित बल्तिस्तान में अक्सर सरकारी मुलाजमीन अपने मुतालबात को लेकर एहतजाज बुलंद करते हैं। हाँ, उनके एहतजाज की वजूहात मुख्तलिफ होती हैं, लेकिन इस बार तो सवाल उनकी रोजी रोटी का है, इसलिए ये पूरी ताकत के साथ इस एहतजाज में जुटे हुए हैं। गिलगित बल्तिस्तान में अपनी रोजी रोटी बचाने के लिए जद्दोजहद करते हुए लोगों का हाल जानने के बाद अब रुख करते हैं जम्मू कश्मीर का, जहां मुख्तलिफ सनतों और तिजारत को फरोग देने के लिए मरकजी हुकूमत और जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से संजीदा इकदामात किए जा रहे हैं। इसके मुस्बत असरात मुख्तलिफ शोबों पर पड़े हैं, जिसमें से एक है सिल्क इंडस्ट्री, जिससे बड़ी तादाद में लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ है, जो यहाँ एक जमाने से अपनी तारीखी शिनाख्त को भी संजोए हुए हैं। इस सिमत में हालिया रोज मरकज के जेर तहत जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से गवर्नमेंट सिल्क फैक्ट्री श्रीनगर को नई सहूलियात, इमारत और जदीद तरीन मशीनरी से अपग्रेड किया जा रहा है। पेश है हमारी ये रिपोर्ट। यह है श्रीनगर के राजबाग में वाकई गवर्नमेंट सिल्क फैक्ट्री, जो यहाँ की उन पुरानी फैक्ट्रियों में शामिल है जो बड़े पैमाने पर रेशमी कपड़ों की पैदावार करते हैं और आसपास के इलाकों के लोगों को इससे मुतालिक रोजगार भी मुहैया होता है। जहाँ इन दिनों मरकज के जेर इंतजाम जम्मू कश्मीर के इंतजामिया की जानिब से सिल्क से बने कपड़ों की प्रोडक्शन बढ़ाने के लिहाज से इसे तकरीबन 12.5 करोड़ रुपए की लागत से अपग्रेड किया जा रहा है। इस टाइम प्रेजेंटली हमारा क्या है, एक तो हमारी बिल्डिंग बन रही है जिनका कास्ट ऑलमोस्ट 12.5 करोड़ है। दूसरा चीज़ हमारी मशीनरी आ रही है। इससे फ़ायदा क्या है कि जो नई मशीनरी आएगी, एक तो रिजल्ट्स उसमें आएंगे, इफेक्टिव और एफिशिएंट आएंगे, नए डिज़ाइन बनेंगे। उससे क्या प्लस पॉइंट आएगा हमारा, जो मार्केट हमारा है, मार्केट स्ट्रेटजी ही है कि नए डिज़ाइन वो मांगते हैं,
तो जो नई मशीन आ रही है हमारे जकार्ड्स आ रहे हैं, डाबी लूम्स आ रहे हैं हमारे, रेपियर लूम्स आ रहे हैं, अगर वो मशीन हमारे आ रही है ऑल आई गेस 40 मशीन हमारी नई आ रही है जो उनको फंडिंग उनने की है, आई गेस लगभग नियर अबाउट 5 to 6 crores की मशीन हमारी आ रही है। तो वी आर श्योर कि अगर जो मशीन आएगी तो जो नए डिज़ाइन आएंगे हमारे लिए तो हम मार्केट में कम्पीट कर सकते हैं। साल 2014 में जम्मू कश्मीर में सैलाब की वजह से तमाम तर इंडस्ट्रियल यूनिट्स के काम मुतासिर हो गए थे, जिन्हें उबारने के लिए वर्ल्ड बैंक ने जम्मू कश्मीर की इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन एजेंसी के साथ ताउन देते हुए इमदाद मुहैया कराई, जिसमें ये गवर्नमेंट सिल्क फैक्ट्री भी शामिल थी। इस माली मदद के जरिए जहां एक तरफ सिल्क प्रोडक्शन में काम आने वाली मशीनों को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लैस किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी जानिब इस फैक्ट्री की नई इमारत को भी तैयार किया जा रहा है। इधर के नया मशीन आने वाला है, नई बिल्डिंग बनती है यहाँ पे, इंशाल्लाह हमें पूरा उम्मीद है कि हमें बहुत फायदा होगा, उससे काम भी ज़्यादा इनके प्रोडक्शन भी ज़्यादा निकलेगा, इंशाल्लाह आसान भी होगा। जो ये यहाँ पुरानी मशीन है हमें यही रिपेयरिंग करके थोड़ा सा चलाते हैं, इंशाल्लाह मुझे पूरा उम्मीद है जब ये मशीन नहीं आएंगी और प्रोडक्शन बढ़ जाएगी और इंशाल्लाह बहुत कामयाबी होगी। सिफोन, क्रेप, सेटिन और दीगर रेशमी कपड़ों की प्रोडक्शन करने वाले इस सिल्क फैक्ट्री से कई लोगों का रोजगार चलता है। यहाँ लोग रेशम के रेयरिंग प्रोसेस से तैयार रॉ सिल्क को फरोख्त करते हैं। काबिले गौर है कि जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के सबब रोजमर्रा की जिंदगी में काफी बदलाव रूनुमा हो रहे हैं। इसके सबब लोगों को बदलते फैशन रुझान के साथ तालमेल बिठाने के मद्देनजर इस फैक्ट्री की प्रोडक्शन को बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। इन इकदामात से यहां काम करने वाले अहलकार भी काफी खुश हैं। हमें भी बहुत खुशी है, पुरानी मशीन पर अब हम काम नहीं कर सकते हैं, नए मशीन जो मिली है हम उनसे बहुत खुश है, हमें भी बहुत फायदा मिलेगा, हमें भी बहुत आसानी होगी, इसलिए हम गवर्नमेंट का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने सोचा इस बारे में। जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से उठाए जा रहे ऐसे मुसबत इकदामात से न सिर्फ सिल्क के शोबे से जुड़े लोगों को रोजगार मुहैया होना तय माना जा रहा है, बल्कि जम्मू कश्मीर में सिल्क के कपड़ों के प्रोडक्शन में भी इजाफा होगा। नतीजतन जहां एक तरफ जम्मू कश्मीर में अलग अलग सतह पर कारोबार और सरमाया चलाने के माफिक माहौल तैयार हो रहा है, तो वहीं दूसरी जानिब बड़े पैमाने पर हुनरमंद कामगारों को रोजगार के मौके हासिल हो रहे हैं। यही वजह है कि नए भारत का नया जम्मू कश्मीर बनाने के लिए इंतजामिया की जानिब से उठाए जा रहे ऐसे तरक्याती इकदामात काबिले तारीफ हैं। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है, आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादला ख्याल में ट्विटर का खूब इस्तेमाल हो रहा है, तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम ट्वीट्स पर। अमजद हुसैन ने ट्वीट किया है कि वापड़ा की जानिब से दियामर भाषा डैम के लिए तकरूरी का ऐलान किया गया है, जिसे गिलगित बल्तिस्तान के मकामी अवाम किसी भी सूरत में मंजूर नहीं करेंगे। हमारे लिए सिर्फ एक सीट रखना पूरी तरह से गलत है, इस ऐलान को वापस लेना चाहिए और गिलगित बल्तिस्तान के लिए ज्यादा सीटें रखी जानी चाहिए। जमील मकसूद ने ट्वीट किया है कि नाम निहाद आजाद कश्मीर में पाकिस्तान और उसकी कठपुतली निजाम ने तनवीर अहमद को रिहा कर दिया है, उन्होंने अपनी सरजमीन से पाकिस्तानी परचम को हटाकर कोई गुनाह नहीं किया था। सैयद अली बेग ने ट्वीट किया है कि काराकोरम नेशनल मूवमेंट के लीडर तारूफ अब्बास ने अस्तौर इलाके में मुनक़िदा सेमिनार में लोगों से मुखातिब होते हुए गिलगित बल्तिस्तान को दरपेश मसाइल का जिक्र किया और इंतखाबात में मकामी सियासी पार्टियों को वोट देने की बात कही। जम्मू कश्मीर 5 ने ट्वीट किया है कि मुगल गार्डन्स को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल करने के लिए जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने डोजियर तैयार करना शुरू कर दिया है। कश्मीर पिवट ने ट्वीट किया है कि पाकिस्तान हामी दहशतगर्द तंजीम लश्कर ए तैयबा के 3 ओवरग्राउंड वर्कर्स को हिफाजती अमले की ज्वाइंट टीम ने जिला बांदीपोरा से गिरफ्तार किया है।
शाहिद चौधरी ने ट्वीट किया है कि मुल्क के सदर की जानिब से वादी की रूही सुल्ताना को नेशनल अवार्ड फॉर टीचर्स से नवाजा गया। उन्होंने तालीम फराहम करने की सिमत में श्रीनगर के असातिजा के संजीदा कोशिशों की नुमाइंदगी की है। सोशल मीडिया पर एक नजर डालने के बाद अब एक बार फिर रुख करते हैं गिलगित बल्तिस्तान का, जहां के मौसम में गुज़िश्ता एक दहाई के दौरान अहम तरीन बदलाव देखने को मिल रहा है। यहां सर्दियों का मौसम लंबे वक्त तक जारी रहने लगा है, लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि बर्फबारी पहले की बनिस्बत काफी कम हो गई है। मौसमी तब्दीली का खमियाजा इस खूबसूरत इलाके को उठाना पड़ रहा है। यहाँ हर साल सैलाब आने लगा है और ये सैलाब अपने साथ लेकर आता है मुसीबतों का भारी दौर। इस बार भी हालात जुदा नहीं है, गिलगित को सैलाब की मार झेलनी पड़ रही है और अवाम ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर हर साल आने वाली इस मुसीबत से कैसे बचा जा सकता है। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब का आना मानो एक रिवाज बन चुका है। हर साल सैलाब की शक्ल में कुदरती तबाही दस्तक देने लगी है। कभी गिलगित में सैलाब ज्यादा आता है, तो कभी हुंजा में, तो कभी स्कर्दू में, तो कभी द्यामर में, और जब हालात ज्यादा खराब होते हैं तो पूरे खित्ते में सैलाब की मुसीबत एक साथ देखने को मिलती है। जैसा कि रवां साल हो रहा है, इस साल एक बार फिर ये पूरा खित्ता सैलाब के कहर से दोचार हुआ है, लेकिन इंतजामिया सोई हुई है, जबकि आवाम को हर पल अपने जानो माल की सलामती की फिक्र सता रही है। जमीन है, घर है, वो सब तबाह हो गया है। यहाँ पर जो ना एक घर एक गिरने की वजह से जो ना दो अफराद जख्मी भी हुए, लेकिन अब तक गवर्नमेंट की तरफ से और जो सियासी लीडरान की तरफ से हमारे पास कोई भी जो ना इमदादी फंड या कोई इमदाद के तौर पर भी नहीं आ गया, या किसी दर्जात की तरफ से भी हमारे कोई किसी कस्म का कोई इमदाद हमें नहीं आ गया, ना कि गवर्नमेंट का कोई बंदा हमारी तरफ आ रहा है। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब का आना कोई नई बात नहीं है। यहाँ लगभग हर साल सैलाब की तबाही दस्तक देती है, फिर भी इससे निपटने के लिए ठोस इकदाम नहीं किए जाते। हुकूमत ने सैलाब से कोई सबक सीखा है ऐसा नहीं लगता। इस बीच गिलगित बल्तिस्तान में उफनते दरिया का पानी लोगों के घरों में घुस गया है। कई लोग दरिया में बह गए, जबकि बहुत से लोगों का कीमती सामान भी बारिश की भेंट चढ़ गया है। सैकड़ों टन मलबा दरिया में समाने से दरिया की सतह में भी इजाफा हुआ है और निचले इलाके पूरी तरह से पानी से भर चुके हैं। छोटे बड़े तमाम पुल टूट गए हैं और अवाम जान जोखिम में डालकर आरजी पुलों के जरिए अपना बचा खुचा सामान समेटने में लगे हैं। इस पर 142 किसानों का जो ज़मीनें हैं, तो ये बहुत बुरी तरह मुतासिर हुई है। करीब इस सीज़न में इसको निकालना मुश्किल ही है, अलबत्ता बहुत मेहनत तक वदोद के बाद दोबारा सीज़न के लिए बहाल किया जाएगा, तो इससे बहुत ज़्यादा ज़मीन बंजर पड़ने का भी खदशा है। अब तक इसके लिए भी कोई हौसला अफजाई नहीं हुई है, किसी ने सर्वे तक भी नहीं किया है। गिलगित बल्तिस्तान का इलाका दूसरी जगहों से पूरी तरह कट गया है। लैंडस्लाइडिंग की वजह से काराकोरम शाहराह भी बंद हो गया है। इस वजह से जो जहां है वो वहीं पर फंस गया है। शाहराह बंद होने से गाड़ियों की लंबी कतारें भी लग गई हैं। इस बीच सड़क हादसों की तादाद भी तेजी से बढ़ रही है। बहुत सी गाड़ियों पर मलबा गिरने से उसमें सवार लोग बुरी तरह घायल हो गए हैं, जबकि बहुत सी गाड़ियां फिसल कर गहरी खाई में जा गिरी हैं। दियामर जिले में तो एक ही कुनबे के 7 लोगों को सैलाबी रेला अपने साथ बहा कर ले गया, जिनका अभी तक कोई पता नहीं चला है। इस दरमियान अपनी मदद आपके तहत लोग खुद ही एक दूसरे की मदद में जुटे हुए हैं। रात को स्लाइडिंग हुई है ना बारिश की वजह से, तो ये 2-3 जगहों पर सख्त वो आई है कि मलबा आया है, रोड ब्लॉक हुआ है, साजन पुल के करीब और ये लाची नाले के मुकाम पर, और इसी तरह ये साजन दास के करीब 7 बंदे इस लाची नाले के एरिया में एक मकान गिरने से वो मतलब स्लाइडिंग में आकर वो फोत हो गए हैं 7 बंदे। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब का आना एक मामूल बन चुका है। हुकूमत चाहे किसी भी पार्टी की हो, लेकिन उसे अवाम के दर्द से कोई सरोकार नहीं है। सैलाब आता है,
तबाही लाता है और अपने पीछे छोड़ जाता है कभी न भूलने वाला दर्द। कुछ दर्द आवाम को कुदरत के हाथों मिलता है तो कुछ हुक्मरानों के हाथों। खास तौर से निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को तो काफी नुकसान उठाना पड़ता है। इस दरमियान अगर माहरीन की राय पर नजर डालें तो गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब के लिए कुदरत कम लेकिन हुकूमत की लापरवाही ज्यादा जिम्मेदार है। यहाँ हर साल लाखों दरख्त काटे जाते हैं जिसका खामियाजा लोगों को सैलाब की शक्ल में भुगतना पड़ रहा है। तमाम घर मुतासर हैं। सर तो मुकम्मल बिल्कुल पानी है, इसके साथ रेत आता है, घरों में घुस के घुस गया। तमाम जो बर्तन है सब बर्बाद हो गए, फसलें जितने भी थी तमाम बर्बाद हो चुके हैं। ने मुतबादिल को आपको जगह दिया है? मुतबादिल जगह देने की दूर की बात है, लेकिन बंदा आता है ना, आके फिर पूछ लेता है भाई क्या मसला है, ठीक है कोई ज़्यादा नुकसान हुए हैं कि नहीं, इनके बारे में पूछा जाता है। पूछने तक की हिम्मत नहीं की गई है। बाकी चीज़ें तो अलग बात है कि बंदा आएगा बाद में आके ये चीज़ें देख लेता है, लेकिन पहले तो आनी चाहिए ना बंदों को। ये कोई ढकी छिपी बात नहीं है कि जलजले के बरअक्स सैलाब अचानक नहीं आता, इसके संकेत पहले से ही मिलने लगते हैं, लेकिन शायद ही कभी हुक्मरानों ने मुकम्मल तैयारी की जरूरत महसूस की हो। इसलिए सैलाब जब आता है तो बहुत कुछ तबाह कर देता है। कुदरत के कहर को रोका तो नहीं जा सकता, लेकिन इसकी तबाही जरूर कम की जा सकती है। लेकिन पाकिस्तान को अपने कब्जे वाले इलाके की कोई परवाह नहीं है। उसने गिलगित बल्तिस्तान को निकम्मे हुक्मरान और लापरवाह अफसरान के भरोसे छोड़ रखा है, इसलिए यहाँ इतनी तबाही देखने को मिलती है। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब की तबाही से तभी राहत मिल सकती है जब हुकूमत और इंतजामिया दोनों ही अपनी जिम्मेदारी समझेंगे और इसे बखूबी निभाएंगे। गिलगित बल्तिस्तान के सैलाब जदा इलाकों की सूरत हाल का जायजा लेने के बाद एक बार फिर लौटते हैं जम्मू कश्मीर। यहाँ कोरोना वबा से तालिबे इल्मों को महफूज रखने के लिए इंतजामिया की जानिब से कई एहतियाती इकदामात किए जा रहे हैं, जिसमें तमाम तालीमी इदारों को बंद किया जाना भी शामिल है, लेकिन तलबा तालिबात की तालीम में किसी भी तरह से रुकावट हायल ना हो इस सिमत में तालीमी महकमा रिवायती तरीकों के साथ ही ऑनलाइन और इज्तमाई क्लासेस पर तवज्जो दे रहा है। हुसूल तालीम के लिए नए और जदीद तरीन इकदामात किए जा रहे हैं। नए तालीमी तरीक़ेकार से असातिज़ा को रूबरू कराने के लिए ज़िला पुंछ में ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम का अहतमाम किया गया। तफसीली जानकारी लेते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। मुल्क और मुआशरे में तरक्की का अंदाज़ा उसके तालीम याफ्ता नौजवानों के मुस्बत किरदार को देख कर लगाया जा सकता है। इन्हें तैयार करने में असातिज़ा अहम रोल अदा करते आए हैं। वक्तन फवक्तन जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से मुनक्किदा वर्कशॉप्स, सेमिनार्स और तरबियती प्रोग्राम्स के जरिए असातिज़ा के तालीमी तरीक़ेकार में बेहतरी लाने के लिए संजीदगी से काम किया जाता रहा है। हालिया दिनों जिला पुंछ में डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग यानी डाइट पुंछ की जानिब से ऑनलाइन इम्पैक्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। इस प्रोग्राम के जरिए जिला पुंछ में तकरीबन 2000 से ज्यादा असातिज़ा को ऑनलाइन तरबियत देने का इंतजाम किया गया, जिसमें उन्हें बच्चों को पढ़ाने के नए तरीक़ेकारों से आगाह किया गया। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से ये जो टीचर्स को ट्रेन किया जा रहा है, ग्रेड सेकंड और ग्रेड थर्ड के टीचर्स, ये पूरे डिस्ट्रिक्ट के तकरीबन लगभग जो हैं वो हमने 235 टीचर जो हैं वो ट्रेन करने हैं। तो एक बैच हमारा बालाकोट का और जो बफलियाज का हो चुका है। बफलियाज में हमारे पास 233 लोग थे और बालाकोट में 176 लोग थे, तो वो फर्स्ट फेज कंप्लीट करके तो वो अब फील्ड में जा चुके हैं। वहाँ पे वो कम्युनिटी टीचिंग करते हैं बच्चों को घर घर में, क्योंकि स्कूल सारे बंद हैं तो वो घर में बच्चों को जो है वो पढ़ा रहे हैं। यहाँ से उनको टेक्नोलॉजी मेथडोलॉजी स्किल्स वगैरह सिखाई जा रही है। जिला पुंछ में डाइट के साथ साथ समग्र शिक्षा अभियान और स्कूल एजुकेशन डायरेक्टरेट के मुश्तरका तआवुन से मुनक्किदा इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में शिरकत कर रहे असातिज़ा को कई मरहलों में तरबियत मुहैया कराई जा रही है।
काबिल गौर है कि प्रोग्राम में इस तरह की अहम जानकारियों से असातिज़ा में एक नया जोश और जज्बा दिखाई दिया है। ये लोग उम्मीद हैं कि उन्हें बच्चों को पढ़ाने में ऐसी अहम मालूमात से काफ़ी मदद मिलेगी। बदलते वक्त में तालिब इल्मों की पढ़ाई लिखाई के साथ तालमेल कायम रखने के लिहाज से मुनक़िदा इस तरबियती प्रोग्राम को बेहद मुअस्सर माना जा रहा है। ये ट्रेनिंग इसलिए है कि हमारे जम्मू कश्मीर में क्वालिटी एजुकेशन कैसे आ जाए, जैसे दिल्ली में है, कलकत्ते में है, मद्रास में है, मुंबई में है, बड़े शहरों में जैसे क्वालिटी एजुकेशन है, वो यहाँ पर एक डिजिटलाइजेशन जैसे हमारे इंडिया हो रही है एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इस लिहाज से जो ये ट्रेनिंग यहाँ पर इम्पार्ट हम कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में तालीमी मेयार को मजीद बेहतर बनाने के लिए ऐसे अहम तरीन तरबियती प्रोग्राम के जरिए असातिज़ा को तालीम देने के नए नए तरीक़ेकार से फ़ायदा पहुंचाया जा रहा है। मसलन 2035 असातिज़ा को तरबियती प्रोग्राम में शामिल किया गया है। पहले बैच में बालाकोट ब्लॉक से 120 और बफलियास ब्लॉक के 220 असातिज़ा शामिल किए गए हैं, जिनकी पहले मरहले की तरबियत भी पूरी हो चुकी है। दूसरे बैच में मेंढर जोन के 123 और मनकोट जोन के 233 असातिज़ा की तरबियत जारी है। प्रोग्राम के फर्स्ट फेज में घरों में बैठे टीचरों को ऑनलाइन के जरिए ही नए तालीमी कवायद और जवाबित और मौजूआत के बारे में बताया जा रहा है। 21 दिनों तक चलने वाले दूसरे मरहले में असातिज़ा के अपने आसपास के ही बच्चों को इज्तिमाई क्लासेस के जरिए तालीम देना तय किया गया है। आखिरी मरहले में उन्हें प्रोजेक्ट वर्क दिया जाएगा, जिसे पूरा करने के बाद उन्हें सर्टिफिकेट से नवाजा जाएगा। ये जो ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग नाम है तरबियत का, तरबियत जो है वो ऑनलाइन चल रही है। एक्चुअली जो आज ये ज़माना ही आ गया ऐसा कि इसमें फेस टू फेस ट्रेनिंग के लिए मुश्किल होता है, तो ऑनलाइन ट्रेनिंग हम दे रहे हैं। कहीं कहीं थोड़ी सी नेटवर्क की वजह से ख़राबी आती है, अदरवाइज़ हमने पूरी कोशिश किया। हमारी टीम यहाँ पर काम कर रही है, रिसोर्स पर्सन है, DRG रिसोर्स पर्सन है, टेक्निकल टीम है, जो इस ट्रेनिंग को कामयाब करने के लिए जो है हम हर वक्त जो है वो इसको कामयाब करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के मकामी तालिब इल्मों को आला क्वालिटी एजुकेशन देने के लिहाज से चलाए गए इस तरबियती प्रोग्राम के जरिए मुल्क के दीगर शहरों और मेट्रोपॉलिटन सेंटर्स में दी जाने वाली तालीम के तर्ज पर असातिज़ा को तैयार करने की पहल हो चुकी है, जिसके पेश नज़र तमाम मुतालिका महकमे अपने अपने काम को बखूबी अंजाम दे रहे हैं, जिसके मुस्बत नतायज बहुत जल्द ही मंजर आम पर आने लगे हैं। नाज़रीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। अगले